हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। ये इस चैप्टर के थर्ड पार्ट, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ये थर्ड पार्ट आज से इस लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरे में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसको आई से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, सिंपली सी क्या है, एक रेशियो होता है ये, और इसी को मैंने क्या करा इस फॉर्म में लिख दिया है। तो आई जो है वेंट ऑफ फैक्टर वो किसका रेशियो है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन मतलब हमने अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करा, तो ऐड करने पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तीन चीज हो सकती है, जो पार्टिकल मैंने बोला एक पार्टिकल ए ऐड करा तो पार्टिकल ए फॉर्म में ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। अगर मैंने उस पार्टिकल को ऐड करा और वो दो पार्टिकल में टूट गया, ठीक है, मैंने मान लिया वो एड ए डैश और ए डबल डैश में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिसोसिएशन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl को ऐड करा, तो हमें पता है पानी के अंदर Na प्लस Cl माइनस, इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, डिसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होगा, अगर मैंने क्या बोला कि एक पार्टिकल है उसके दो पार्टिकल आपस में कंबाइन हो और एक नया पार्टिकल बना लिया सिंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइमराइजेशन हम मतलब दो पार्टिकल मिले और उन्होंने आपस में क्या हो गए, कंबाइन होकर नया पार्टिकल बना लिया, ठीक है। तो जितने भी इसका एग्जाम्पल की बात करें, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होकर नॉन पोलर सॉल्वेंट में जनरली क्या बना लेते, एक यूनिट बना लेते, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये पूरा एक मॉलिक्यूल के टाइप में काउंट होता है। तो ये क्या कहला रहा है, एसोसिएशन। यहाँ पे एक पार्टिकल था जो अलग अलग पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, तो ये कहलाता है डिसोसिएशन। यहाँ दो मॉलिक्यूल थे, एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल थे, लेकिन दोनों कंबाइन होकर अब एक बन गए यानी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएशन। तो हमने बोला बिफोर का मतलब ये बिफोर है यानी, आफ्टर का मतलब जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन में पार्टिकल के नंबर, अगर मैंने बोला यहाँ पर NaCl की बात करूँ, तो आफ्टर कितने, 1 और 2 मिले मुझे, और बिफोर कितना था, पूरा ये एक ही था, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए अगर मैं आई की वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2/1। अगर यहाँ इसकी बात करूँ मैं ये तो हुआ डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन का मतलब कंबाइन होना, तो यहाँ दो पार्टिकल कंबाइन होकर एक बना रहे, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसमें क्या, आफ्टर तो क्या हुआ, पूरा पार्टिकल एक हो गया, तो आई की वैल्यू इसकी लिखूंगा तो 1, और बिफोर पहले क्या हो गया, 2, तो ये इसमें आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। इसको देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है 2, और इसको देखोगे तो मिलेगी 0.5। तो एक जनरल बात तो ये कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, और कम से कम एक तो होगा, तो एक से तो ज़्यादा बढ़ेगी, तो मोर देन 1 होगी यानी। दूसरी बात, जब भी क्या होगा, एसोसिएशन होगा, तो 2 या 3 या 4 पार्टिकल कंबाइन होकर एक पार्टिकल बनाएंगे पूरा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएशन के अंदर कम होते हैं यानी, तो आई की वैल्यू हमेशा इसमें क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। सारी बातें आगे करने वाले, बस थोड़ा सा एक बेसिक मैंने आइडिया दिया था कि थोड़ा क्लियर हम पढ़ के रहे। अब ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया इसका, अब बात करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए हम एक फॉर्मूला लिख ले, ताकि हमें हर बार ये पता नहीं लगा, वो ये परेशान नहीं होना पड़े कि कैसे लिखे हमने, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे केस 1 लिया मैंने डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन का मतलब समझाई दिया मैंने, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, मतलब एक पार्टिकल एक से ज़्यादा में, लाइक NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, AlCl3 है तो AlCl3 के केस में क्या होगा, AlCl3 जब इसको पानी में डालोगे तो एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3Cl माइनस, तो एक यहाँ से मिल रहा पार्टिकल और एक 3 यहाँ से मिल रहा, टोटल कितना हो गया, ये 4 पार्टिकल मिल रहे हैं। तो डिसोसिएशन में कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन यह है कि एक से ज़्यादा मिलेंगे। इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसको मैंने आई से लिखा, और नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल डी लिखा, ठीक है। वैसे कई जगह लिखते नहीं, बस मैं मेरा तरीका है लिखने का, कि डी का मतलब ये हो गया कि मेरे को पता लग गया डिसोसिएशन है, और
वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन वन, जो अभी मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, या 1 या 2 के बीच में होगी, वो सब हमें देखनी है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया NaCl, Na प्लस Cl माइनस। तो N जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, चाहो तो इसको और लिख लेना आगे कंप्लीट, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, एक तो ये और एक ये, एक कैटायन और एक एनायन, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 2। तो ये तो मैंने लिखा N। अब मैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा हमने क्या यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, कि मैंने बोला अगर इनिशियली, अभी मेरे को नहीं पता, अभी तो 1 मान रहा हूँ, मैंने मान ली ए मोल से, 5, 10, 15 कुछ भी हो, तो मैंने मान ली इनिशियली ए मोल से, यानी तो उस टाइम इनिशियली ए मोल्स होंगे, तो Na प्लस और Cl माइनस तो ब्रेक हुआ नहीं होगा उस टाइम। और बिफोर का मतलब क्या है, कि बिफोर, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं डिसोसिएशन, तो ये बिफोर डिसोसिएशन है, बिफोर। ठीक है, चाहो तो नीचे डिसोसिएशन लिख लेना अगर तुम्हें कन्फ्यूजन रहे तो। ये बिफोर डिसोसिएशन की बात करें तो इसके ए टोटल पार्टिकल्स थे या मोल्स थे, और Na प्लस और Cl माइनस बने नहीं थे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन अगर मैं काउंट करूँ, जो डिसोसिएट हुए और जो नहीं हुए, सबका समेशन तो क्या लाएगा, तो ए प्लस जीरो प्लस जीरो, ए प्लस जीरो प्लस जीरो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए। एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, बी का मतलब फिर वापस से बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, इन सबका जो टर्म का मतलब है वो मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है या याद नहीं रहेगा तो लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल, बिफोर डिसोसिएशन हो तो मैंने बी दे दिया। अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, मैंने मान लिया ए माइनस ए अल्फा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कितना डिसोसिएट हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने 100 पार्टिकल लिए और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए। ठीक है, हो सकता है उसमें 60 करे, 70 करे, 80 करे, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो मैंने मान लिया ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा इसमें से क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है ये सब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, तो जितने मोल से उतने में से माइनस कर देंगे, तो ए माइनस ए अल्फा, और उतने मोल्स इसके बन जाएंगे ए अल्फा और इसके भी ए अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब हम ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वैसे समझ लेना कुछ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम बात करें तो सबका समेशन क्या लाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन, जो बच गए वो और जो डिसोसिएट हो गए वो भी। तो ए माइनस ए अल्फा जो बच गए होंगे, प्लस ए अल्फा और ए अल्फा जो नए सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन जो हमारा बना है नहीं, तो सबको ऐड करोगे तो ए अल्फा और ए अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस ए अल्फा, ए कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस अल्फा। ए वापस, एन तो है नंबर ऑफ मोल्स और ए मुझे क्या बता रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन। अब जो ये हमने इनिशियल इसकी जो क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, तो उसमें बोला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो एन ए है इसकी वैल्यू, और बिफोर डिसोसिएशन क्या है, एन बी है, तो वही मैंने बस फॉर्मूले में लिख दिया। आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, तो आफ्टर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू ये है एन इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। बिफोर डिसोसिएशन ये वैल्यू है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, सबको पता है, फिर मैंने लिख दिया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है, 1 मोल के लिए, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगी, यानी ठीक है, क्योंकि एक 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ये डिटेल में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1 ले लूँ, अल्फा की वैल्यू 1 लेने का मतलब है कि 100% डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो उस केस में यहाँ लिखूंगा अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो जब अगर ये जितने मोल्स मैंने लिए, फॉर एग्जांपल 10 मोल्स लिए और 10 के 10 डिसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वही अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल था तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें उसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 मिल रहे। तो आई डी की वैल्यू एग्जैक्टली मुझे क्या मिल जाएगी, 2। ठीक, अब ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से देख के समझ ले ना वापस से, और कॉपी कर ले, फिर हम आगे चलते।
सेकेंड एग्जाम्पल मैंने डिसोसिएशन के लिया MgCl2। MgCl2 डिसोसिएट होके Mg+2 और 2Cl- के अंदर डिसोसिएट हुआ। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे? 3। एक तो Mg+2 और 2 क्लोराइड है, तो 1+2 कितने हो जाएंगे? 3। सेम चीज़ वही करी मैंने बिफोर डिसोसिएशन। ए था इनिशियल मान लिया मैंने, तब ये कुछ डिसोसिएट नहीं होगा, तो 0 0, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन टोटल क्या हो जाएगा, समेशन सबका, तो a a+0+0। इसी तरीके से आफ्टर डिसोसिएशन की बात करें तो मैंने मान लिया कि a टोटल थे, उसमें से a अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पर कितने बने? a अल्फा, और इसका जो कॉफिशियंट उससे मल्टीप्लाई करें तो 2 अल्फा। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम देख चुके केमिकल इक्विलिब्रियम में सब। ठीक, तो आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सबका क्या होगा, इन तीनों का समेशन। तो समेशन करोगे तो a अल्फा से ये माइनस a अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a+2 अल्फा, और उसमें से a कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1+2 अल्फा। जब id की वैल्यू जब निकालोगे, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा na/Nb, सेम वही लिखा, तो ये na की वैल्यू एज इट इज, Nb की वैल्यू एज इट इज, a से कैंसिल हो जाएगा, तो id की वैल्यू मिलेगी मुझे 1+2 अल्फा। अब दो अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए बताए क्योंकि मैं इसका जनरलाइज फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ। तो दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ तो देखना ध्यान से, ये फर्स्ट वाला केस है। फर्स्ट वाले केस में आईडी की वैल्यू मिल रही है मुझे 1+ अल्फा। देखना यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2। तो अल्फा का कॉफिशियंट क्या बन रहा है? 1। जब नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन अगर 3 है तो अल्फा का कॉफिशियंट क्या बन रहा है? 2। मतलब अगर सेम करके देख लेना, जैसे ये मैंने MgCl2 निकाला, वैसे तुम अभी इसमें कितने बन रहे? 3 पार्टिकल, तो तुम्हें 4 पार्टिकल चाहिए, तो AlCl3 के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना। तब तुम देखोगे वहाँ पे बनेगा 1+3 अल्फा। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा उससे एक कम वैल्यू मिलेगी तुम्हें अल्फा का कॉफिशियंट। तो ये जनरलाइज में कर दे रहा हूँ कि इन जनरल वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन इज इक्वल टू ये 1 as it is, ये प्लस एज इट इज, और ये जो कॉफिशियंट आ रहा है पिछली केस में ये कॉफिशियंट 1 था, अप 2 आ गया, अगर 4 वाला पार्टिकल लेंगे तो 3, मतलब एक कम आएगा जो भी हम ये n लेंगे, यानी तो मैंने लिखा n-1 into alpha। तो ये जनरलाइज फार्मूला हो गया वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। और यही से कई बार एक तो ये चीज़ पूछी जाती है, दूसरी कई बार अल्फा पूछ लेता है, अल्फा पूछ रहा है तो क्या करो, इस 1 को इधर ले जाओ, तो id- क्या हो जाएगा? 1, और इस पूरे को क्या, डिवाइड कर दो, तो id-1 और n-1, तो अल्फा भी निकाल सकते हो और id। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला याद रख लो, तो ये तो इससे आ ही जाएगा नहीं। ये डेरिवेशन कोई पूछेगा ना? पूछेगा नहीं तुम्हें, ना तो स्कूल में पूछेगा, ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस समझाने के लिए कैसे आया, बस थोड़ा सा एक बार बताना था। तो इसमें ध्यान ये रखना है तुम्हें, बस क्या है, 1, 2 और 3 अननोन हो सकते हैं इसमें। अगर तुम्हें ये पूछा है तो वो फॉर्मूला देगा, और फॉर्मूला देगा तो उस तुम्हें पता लग जाएगा आयोनिक कंपाउंड से कितने में डिसोसिएट हो रहा है, और अननोन में होगा तो बताएगा 2 पार्टिकल में हो रहा है, 3 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, और उसका अल्फा गिवन होगा। अगर अल्फा किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आई उसने पूछ लिया है, तो अल्फा को हम 1 मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, और अदरवाइज उसकी वैल्यू कुछ दे रखी होगी, 0.1, 0.3, 0.5 कुछ भी है नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में। कई बार अल्फा ने देखे परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन दे देता है, 70%, 30%। तो हमें पता है अल्फा तो किसके लिए, यूनिट मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो अगर 70% है तो अल्फा क्या हो जाएगा एक तरीके से 0.7, 20% है तो वो क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये बात हुई डिसोसिएशन की। अब एसोसिएशन की हम बात करें, एसोसिएशन दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। हमने ये बात करी ली है कि दो किसी मॉलिक्यूल के दो या तीन मॉलिक्यूल या कितने भी 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना ले फाइनल, तो वो क्या कहलाता है? एसोसिएशन। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने 10 लिए तो 10 में क्या 2 कंबाइन होकर एक बना रहा है, तो 10 में जब देखेंगे फाइनल अगर सारे एसोसिएट हो जाएंगे, तो इनिशियली तो 10 थे लेकिन वो सब 2-2 के पेयर में कंबाइन होकर लास्ट में कितने बचे? 5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अल्टीमेटली क्या हो रहे? डिक्रीज हो रहे। तो ऐसा डिक्रीज होने पे जो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एसोसिएशन आएगा उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन क्या आएगी? 1 आएगी। आईडी की वैल्यू क्या रही थी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, और इसकी ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। इसका एक एग्जांपल लिया, जैसे उसमें करा था डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइमर,
डाई का मतलब होता है टू, तो दो पार्टिकल का कंबाइन होना वो कहलाता है डाइमराइजेशन। तीन का ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, और बहुत सारे हो तो हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो टू पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन पार्टिकल, ये मतलब है डाइमराइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कोई ए मॉलिक्यूल है, उसके दो कंबाइन होके और एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है ए टू, तो यहाँ पे एन, ठीक है, डिसोसिएशन का जो एन था और एसोसिएशन का एन था, दोनों फर्क है। डिसोसिएशन में हम एन उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन मिल रहे हैं, एसोसिएशन में एन हम उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो कंबाइन हो रहे हैं, मतलब बिफोर कितने थे, यानी मतलब उसमें बाद में कितने बन रहे हैं वो हम पार्टिकल्स देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एसोसिएशन में क्या देखते हैं हम कितने पार्टिकल्स कंबाइन हुए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब मैं बात करूँ बिफोर इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है 2A, ये मॉलिक्यूल 2 है, तो इसके इसके अंदर मैंने मान लिया इसके इनिशियल मोल्स क्या है, A है, इनिशियल मोल्स A है, और A2 कितना है, जीरो है। तो टोटल ये नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, A प्लस जीरो A आएगा। इसी तरीके से आफ्टर की बात करूँ मैं, आफ्टर एसोसिएशन, तो A माइनस A अल्फा हो जाएगा, और क्योंकि ये वन मोल के लिए होता है, ठीक है, अल्फा वन मोल के लिए होता है, तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि इसको क्या करो, यूनिट बना लो, वन बना लो इसका कॉफिशियंट, तो टू से क्या करो, उस कॉफिशियंट से डिवाइड कर दो पूरे को, या मैंने बोला था जो भी इसका कॉफिशियंट हो वो जो सामने आया उसके नीचे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने समझाया था, जैसे तुम्हें ईजी लगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा, और ये क्या बनेगा, ए अल्फा, और इसको वन बनाने के लिए इससे क्या करेंगे हम, टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, वो क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन, तो दोनों का समीशन करेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा और वन माइनस अल्फा बाई टू इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, अगर हमें एसोसिएशन, ठीक है, वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो एन ए उसकी वैल्यू ये है वो रखी, और ये एन बी की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, ठीक है, तो ए से कैंसिल हो गया, तो आई ए की वैल्यू बची वन माइनस अल्फा बाई टू। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम ट्राइमराइजेशन के लिए देखें, ठीक है, तो उस केस में देखते किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, तो एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर ले फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या है, ट्राइमर मतलब तीन, थ्री पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन पार्टिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्राइमराइजेशन, तीन पार्टिकल कंबाइन हुए हैं। अब इसमें मैंने लिखा 3A फॉर्म A3, इसका मतलब है कि तीन पार्टिकल कंबाइन हो गए और उन्होंने तीनों ने मिलकर एक नया बनाया, तो उसको मैंने A3 नाम दे दिया। N यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन हुए वो कितने, थ्री, तो यहाँ पर N की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, थ्री। बिफोर की अगर मैं बात करूं, बिफोर एसोसिएशन की, तो इनिशियली ए होंगे, इसको जीरो होगा, तो एन बी की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का समीशन ए। आफ्टर एसोसिएशन की बात करूं अगर मैं, तो आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा बाई थ्री, जो इसका कॉफिशियंट उससे हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दोनों का समीशन हो जाएगा, तो दोनों को हमने ऐड करके लिखा, ए कॉमन आ जाएगा, वन माइनस टू अल्फा बाई थ्री। अब इसमें हमें वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन जब हमें कैलकुलेट करना है, तो वही है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर पार्टिकल्स कर दें, तो सबकी वैल्यू हमें पता है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा वापस से। ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर करके एक फॉर्मूला हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, जो डाइमराइजेशन के अंदर ध्यान से देखोगे, डाइमराइजेशन के अंदर जब ध्यान से देखोगे तो हमें ये मिला था फॉर्मूला वन माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर ट्राइमराइजेशन के अंदर हमें क्या मिला, वन माइनस टू अल्फा बाई थ्री। ठीक है, इसको देखना, इस फॉर्म में मैंने लिखा, इन जनरल वन प्लस वन माइनस एन माइनस वन इंटू अल्फा, एन की वैल्यू जब मैंने टू रखी, ठीक है, एन की वैल्यू टू, जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कंबाइन हो रहे, जब डाइमराइजेशन था तो मैंने यहाँ क्या रखा, टू रखा, तो क्या आएगा, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई टू। ठीक है, और माइनस वन बाई टू अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा बाई टू, और ये देख सकते हो
ठीक है। तो जो लास्ट हमारे पास जो स्लाइड थी उसमें भी था कि 1 माइनस और ये अल्फा बाई 2 आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाई 2। 3 के अंदर पुट करके देखिए इसको, जब इसकी वैल्यू 3 हो गई मतलब 3 कंबाइन हो रहे हैं, तो n की जगह क्या रखें यहाँ पे 3, तो 1 बाई 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2 बाई 3, और माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा तो ये आएगी वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिसोसिएशन का फॉर्मूला था, देखना डिसोसिएशन का फॉर्मूला में लिखा था 1 प्लस, इस पूरी की जगह लिखा था 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट में आ रहा था एन माइनस 1, जबकि एसोसिएशन में फॉर्मूला सब सेम है, बस ऊपर एन था लेकिन अब एसोसिएशन में 1 अपॉन एन हो गया, ठीक है। तो याद करना थोड़ा सा, ठीक है, आसान है। कैसे, हमें पता है डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ेंगे तो n की वैल्यू ऊपर रहेगी, तो 1 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 ब्रैकेट में अल्फा आएगा। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते, कम होते तो n की वैल्यू आनी चाहिए नीचे, तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा इस तरीके से लिख लें। सेम अगर तुम्हें इसके जब एसोसिएशन हो रहा है तब तुम्हें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आई ए माइनस 1 और ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इस तरीके। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, डिसोसिएशन का पता है तो बस इतना ध्यान रखना एसोसिएशन में एन की जगह 1 अपॉन एन हो जाता है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम है। फिर से बोल रहा हूँ, ये डेराइव सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, थोड़ा फील कराने के लिए बताया, लेकिन ना ये कोई डेरिवेशन तुमसे पूछा जाएगा स्कूल एग्जाम में, ना किसी कॉम्पिटिशन में, तुम्हें अल्टीमेटली काम आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन एंड वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन, और मैंने दोनों को कंपेयर करके बता दिया कि दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिसोसिएशन में एन आएगा और एसोसिएशन में 1 बाई एन आएगा, ठीक है। अब जो ये वेंटो फैक्टर है, ये तो हमने एक जनरल इसकी बात करी न्यूमेरिकल के हिसाब से, ये वैल्यू, इसकी कुछ डेफिनेशन और होती है, ठीक है, वो डेफिनेशन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस वो जो डेफिनेशन है उसको हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वेंटो फैक्टर को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, आई इक्वल्स टू बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, तो वो है क्या होता है अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन एक होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसी को कई जगह पर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, और जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है थ्योरेटिकल आती है, तो थ्योरेटिकल जो आती है वो हमारे लिए नॉर्मल होती है, एक्सपेरिमेंटल एबनॉर्मल क्योंकि वो थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती, तो नॉर्मल को हम कई बार क्या बोल देते हैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बस नेम, थोड़ा नाम कहने का तरीका लिखा है, बाकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस ऊपर ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंटल आएगी और नीचे आएगा थ्योरेटिकल डिनोमिनेटर में, और कई बार इसी को एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल ना बोल के क्या बोल देते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल। ये एबनॉर्मल और नॉर्मल क्यों होना ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आगे, ठीक है। एबनॉर्मल और नॉर्मल जो बोला गया है, ये कंपाउंड को हम एक डिवाइड कर देते कि नॉर्मल कंपाउंड और एक एबनॉर्मल कंपाउंड, उस बेसिस पे बोला गया, और ऐसे क्यों बोला गया वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जो ऊपर लिखा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये जो फॉर्मूला नीचे लिखा गया सेम सब चीज़ है, बस अब हो क्या गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह आ गया मॉलिकुलर वेट। दूसरा, जहां एबनॉर्मल लिखा वहां आ गया नॉर्मल, और जहां नॉर्मल लिखा वहां आ गया एबनॉर्मल, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। मॉलिकुलर वेट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, ये मॉलिकुलर वेट भी किसका होता है स्पेसिफिक सॉल्यूट का होता है, तो मॉलिकुलर वेट के रेस्पेक्ट में जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट। इसी तरीके से अब क्योंकि नॉर्मल ऊपर आ गया तो यहाँ पे नॉर्मल नीचे था, तो इसके साथ ये थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट। अब बात ये हो रही है कि ये चीज़ है क्या, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी की सारी, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्यों करती है कैसे करती है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स, और मोल हमें पता है क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, तो बस वही चीज लिखा है, उसी से फॉर्मूला आया है कैसे,
यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो मैंने फॉर्मूला लिखा क्योंकि मैं बस ये फॉर्मूले को रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने मोल होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मुझे सिर्फ मॉलिकुलर वेट से मतलब था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, ये तो पता ही है। और मोल्स प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, हम देख लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लिखा है नहीं, तो अगर इसका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आ रहा है तो इससे मैं मॉलिकुलर वेट को रिलेट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट नीचे आ गया, आ रही बात समझ में। या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा मॉलिकुलर वेट के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर आ गया। सेम एक्सपेरिमेंटल और इसके लिए हम बता सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल क्यों बोला गया है, ठीक है, वो या थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला गया, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, और न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से क्या कर ले, कॉपी कर ले मेजरली। अब एक तरीके से चार फॉर्मूले हो गए वेंटो फैक्टर के। एक वेंटो फैक्टर का पहला फॉर्मूला है डिसोसिएशन के लिए 1+N-1 इंटू अल्फ़ा, एसोसिएशन के लिए 1+1/N-1 इंटू अल्फ़ा, दो तो ये फॉर्मूले। दो कॉलिगेटिव, एक फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जिसमें एबनॉर्मल नॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल के लिखा है, और दूसरा मॉलिकुलर वेट के रेस्पेक्ट में। तो टोटल कितने हो गए, चार फॉर्मूले। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, भले मेरे को समझाने में 20 से 25 मिनट लगे, डेरिवेशन करके मैंने बता दिया कैसे फॉर्मूला है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें याद ये चार फॉर्मूले ही रखने हैं। तो एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे देखते हैं। अब बात करता हूँ मैंने जो अभी बात करी थी कि नॉर्मल कंपाउंड एबनॉर्मल कंपाउंड, ठीक है, किस तरीके से दिया था, ये नाम कैसे दिया गया था, उसी के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं यहाँ मैं बोल देता हूँ जनरली कंपाउंड को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक नॉर्मल कंपाउंड और एक एबनॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड और एबनॉर्मल कंपाउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया, मैंने बोला नॉर्मल कंपाउंड वो कंपाउंड है जो किसी भी सॉल्वेंट में उस कंपाउंड को या उस एज ए सॉल्यूट ट्रीट करें, और जब उस कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर में मैंने डाला, तो ना तो वो ब्रेक होगा, ना ही वो क्या होगा, कंबाइन होगा। कहने का मतलब है कि ना तो डिसोसिएशन होगा, ना ही उसमें क्या होगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया। तो इन सब को जब मैं पानी में डालूंगा तो वो क्या, ऐसे नहीं होता कि C6 कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ना ही वो ऐसे होता है कि कंबाइन हो गया और उन्होंने डबल बना लिया, वो पार्टिकल्स अपने आप में इंडिविजुअल अलग अलग रहते। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नॉर्मल कंपाउंड। और एबनॉर्मल कंपाउंड वो कहलाएंगे जो आइदर एसोसिएट हो जाए या फिर क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो फिर यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, Neither associate nor dissociate, मतलब ये ऐसे कंपाउंड ना तो कंबाइन होते हैं, ना ही वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम आफ्टर और बिफोर डिवाइड भी करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल को, वो सेम ही रहने, तो जब सेम रहने तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। जो एबनॉर्मल कंपाउंड है उनकी वैल्यू कभी भी वन के बराबर नहीं आती है, या तो वो वन से बड़ी होगी या फिर वो वन से क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन वन के बराबर नहीं होगी। फर्दर अब मैं एबनॉर्मल कंपाउंड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो अभी हमने देख लिया डिटेल में, ऐसे कंपाउंड जो डिसोसिएट हो रहे तो डिसोसिएशन, और ऐसे कंपाउंड जो एसोसिएट हो रहे तो इसमें एसोसिएशन। जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, जब कंपाउंड ब्रेक होगा, ठीक है, तो कंपाउंड ब्रेक होने पर उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा बढ़ जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू, तो इसमें वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन वन मिलेगा। और एसोसिएशन में क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल कंबाइन होकर एक बना लेंगे, तो उसमें ऑलवेज वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, वन होगा, यानी, ठीक है। फिर मैंने वापस से जो फॉर्मूले उनको यही लिख दिया एक साथ थोड़ा समराइज करने के लिए, कि फॉर्मूला जो डिसोसिएशन का है वो 1+N-1 इंटू अल्फ़ा है, और यहाँ से हम अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे वेंटो फैक्टर और एन की वैल्यू पता है। तो इसी तरीके से एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1+1 ब्रैकेट में 1/N-1 इंटू अल्फ़ा।
तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बस फर्क इधर है, इसमें एन आ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा, वन बाई एन, ठीक है, बाकी सेम ही चीज़ है। अब नोट के फॉर्म में कुछ पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये जो मैं बता भी चुका हूँ, एक यहाँ पर ध्यान रखना, एन दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर जो एन है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। पार्टिकल के डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर एन है। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ, तो डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल में ब्रेक हुआ, 2, तो उसमें एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, जबकि एसोसिएशन में इस एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन, मतलब एसोसिएट कितने पार्टिकल हो रहे मिलकर, यानी तो जैसे अगर डाइमराइज हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल नाम से पता है 2 कंबाइन होता है, एन की वैल्यू 2। ट्राइमराइज हो रहा है तो 3 कंबाइन होते 3, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो मैं नोट की बात कर रहा था, पहला नोट ये कि इफ वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नॉट गिवन इन न्यूमेरिकल, देन कंसिडर 1। अगर अल्फा की वैल्यू जनरली दो तरीके से दे रखी हुई है, तो अल्फा डायरेक्ट बोल देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1, 0.5, 0.7, कुछ भी। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना देखे वो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन के फॉर्म में भी दे देता है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन तो बस 100 के रेस्पेक्ट में, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके, 1 के रेस्पेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर परसेंटेज दे रखी 70%, तो उसको 1 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे 1 के लिए, तो कितना हो जाएगा, 0.7, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि जब तक अल्फा खुद ना पूछा हो, ऐसा नहीं कि अल्फा पूछ लिया तो हम डायरेक्ट उसको 1 लिख लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें मुझसे आईडी की वैल्यू पूछी है और सिर्फ एन मुझे पता है, अल्फा नहीं पता है, तब मैं अल्फा को 1 मानूंगा। ऐसे नहीं कि अल्फा ही पूछा है और सर ने बोल दिया आपने कि 1 मानना हमेशा, ऐसा नहीं। आईडी दे रखा होगा और एन दे रखा हो तो अल्फा कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सेकेंड नोट ये एसोसिएशन के लिए स्पेशली, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा RCOH, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एग्जिस्ट एज डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो पोलराइज नहीं होते, लाइक बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जनरली क्या होते हैं, आपस में दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एज ए एक मॉलिक्यूल वो एक मॉलिक्यूल की तरह बन जाता है। तो ये मैंने बता के दिखाया, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, तो इस ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्सेप्टर। तो एक यहाँ से बॉन्ड बनाया इसने, और पहले वाले का जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है ये अब क्या हो गया, एक्सेप्टर, और दूसरे वाले का जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, हमारे लिए डोनर। तो इस तरीके से ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इस तरीके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंबाइन होकर पूरा पार्टिकल क्या है, एक जैसे कंबाइन होता है। एसोसिएशन में मोस्ट कॉमन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अब वो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जनरली एसोसिएशन जो डाइमराइजेशन होता है, ट्राइमराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, गिवन होता है कि हम इसमें क्या करें, एसोसिएशन और जो एसोसिएशन दे रखा, तो उसमें जनरली बोल देता है 2 पार्टिकल कंबाइन हुए, 3 पार्टिकल कंबाइन, लेकिन कभी दे देता कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दे देगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तब वो कभी नहीं बोलेगा कि ये एसोसिएशन हो रहा है। तब ये तुम्हें खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का कोई, ठीक है, एसिड फैमिली का कोई मेंबर है तो वो अपने आप क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो ये इसलिए नोट के फॉर्म में लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब क्या है, कुछ देर नहीं रखा होगा कि एसोसिएट होंगे यानी कंबाइन होंगे, ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एसिड है तो वो डाइमराइज होगा ही होगा। तो एन की वैल्यू इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से, फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है, ठीक है, सबसे थोड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है, इस तरीके पूछे भी जा सकते हैं। पहला देखा, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस इज 2.74, देन कैलकुलेट
परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है और इसमें हमें एक कंपाउंड दे दिया और इसका वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2.74 दे रखी है। तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालने का मैंने बताया था, या तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन होगी या फिर क्या पूछा उसने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म वर्ड ना यूज़ करके वो परसेंटेज पूछ लेता है जनरली। तो अगर मुझे डिग्री पता लग गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग गया, अल्फा पता लग गया, तो उसको इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरी बात, अब यहाँ कुछ दे नहीं रखा, एसोसिएशन हो रहा, डिसोसिएशन हो रहा, फिर कैसे पहचाने। पहली चीज, अगर तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है तो मैंने क्या बोला था, वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा। तो देखो 2.74 वन से बड़ी है, अगर ये एसोसिएशन होता तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती, वन से छोटी होती, यानी ठीक है। दूसरा, इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, बेरियम प्लस टू और नाइट्रेट माइनस में। तो इस तरीके से तुम्हें पहचानना होगा कि किसमें एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है, ये हर बार तुम्हें गिवन नहीं होगा यानी। तो ठीक है, इसमें हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अब तो काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, तो हो सके तो वीडियो पॉज करें और अपने से एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर चेक करें कि सॉल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, अब इसमें पहले तो मैं लिख देता हूँ कि जो बेरियम नाइट्राइड मुझे दे रखा है, बेरियम नाइट्राइड जो मुझे दे रखा है, ये ब्रेक किस में हुआ, आयनिक कंपाउंड है, तो ये बेरियम प्लस टू में होगा और दो, क्योंकि NO3 पे चार्ज क्या होता है, माइनस वन ही होता है, तो कितने में, दो में हो जाए। तो इस पूरे पे एक माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, टोटल माइनस टू, और इस एक पे प्लस टू, तो कैटाइन एनायन बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एन की वैल्यू वन और टू टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहे, थ्री आ रहे, ठीक है। तो ये मुझे एन की वैल्यू पता लग गई और मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, गिवन मुझे वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, लिखा डिसोसिएशन नहीं है लेकिन मैं वैल्यू देख के बता दे रहा हूँ कि ये वैल्यू किसकी है, डिसोसिएशन की वैल्यू। तो बस डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा दे इसमें, तो यहाँ पर आई डी इज इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, अल्फा। तो आई डी की वैल्यू दे रखी है हमें 2.74 इज इक्वल्स टू वन प्लस एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 3 माइनस वन, और अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो 1.74 डिवाइड बाई 2 कर लो तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट जब करोगे 0.87। तो मैंने बोला तो जो अल्फा होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब परसेंटेज, जब मैंने बोला जब परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन जब वो पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्या करो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा, उसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.87 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 87%, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बस यहाँ से हमें पता करना था कि प्रोसेस क्या है, वैल्यू देख के मुझे पहचानना पड़ा कि उसमें डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू भी हमें खुद देखनी होगी अगर फॉर्मूला दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो एन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, 80% ऑफ पार्टिकल ए डाइमराइज देन कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करें और इसको भी ट्राई करें, ये भी एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, तो इसमें दे रखा है कि 80% ऑफ ए, कोई भी ए हमें पता है पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें एसोसिएशन हो रहा है, यानी हरी बात समझ में, तो मुझे पता है कि एसोसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब आई मुझे कैलकुलेट करना है, और आई किसका, डाइमराइज हो रहा है, मतलब एसोसिएशन, मतलब आई ए मुझे कैलकुलेट करना है। अब आई ए मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2A कंबाइन होके A2 बना रहा है, डाइमराइज हो रहा है, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और ये N की कौन सी वैल्यू होती है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं यानी, ठीक है। तो N की वैल्यू हो गई 2। अब इसमें आई ए की वैल्यू तो मुझे क्या करनी, कैलकुलेट करनी, ठीक है, आई ए की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और एक डेटा और मुझे दे रखा क्या,
80% पार्टिकल ऑफ ए डाइमराइज, मतलब 80% ये परसेंटेज ऑफ, जैसे हम बोलते हैं डिसआयोनाइजेशन, वैसे ये क्या हो रहा है कि इतने, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है कि इतना परसेंटेज हमारा पार्टिकल क्या हुआ, कंबाइन हुआ। अगर 100 थे तो उसमें से कितने हुए, 80 हुए। तो अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पे निकाला था परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन 87%, तो अल्फा कितना था उसका 0.87, मतलब उसको क्या करो 100 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से 80% है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 80/100, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 0.8। ठीक है, तो ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बस ये ध्यान रखना कि 80% जिस तरीके से इसमें आयोनाइज हो रहे तो वैसे इसमें ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रहे हैं, तो वो इसका क्या होगा, एक तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम इसको अल्फा बोल देंगे, इतने कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा मुझे जब पता लग गया 0.8, तो बस सिंपल क्या करो फॉर्मूला रख दो। तो किसका फॉर्मूला रखना है मुझे, आई ए का, वो क्या होगा 1+1/(n-1)× क्या अल्फा, और आई ए मुझे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 1+1/(n) की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली 2-1, और अल्फा मुझे पता करना है तो यहाँ से देखोगे अल्फा का कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.8। हाँ, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मुझे रखनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। ठीक है, आइए मुझे कैलकुलेट करना था अल्फा, तो उस केस में तो यहाँ पे आइए मुझे कैलकुलेट करना था, एन की वैल्यू 2 मुझे पता है, अल्फा की वैल्यू 0.8 है, तो आइए मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा 0.4, 1-0.4 तो 0.6, तो ये 0.6 आई ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों में अल्फा का वैल्यू ध्यान रखना, इसमें तो सिंपल है आयोनाइज हो रहा है तो हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं या परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं कितना आयोनाइज हो रहा है, लेकिन जब डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमने डेराइव करा है तो इस तरीके से करा है कि कितने पार्टिकल उसके अंदर कंबाइन हो रहे हैं। तो डाइमराइज में ऐसे नहीं कि 100 पार्टिकल थे 100 के 100 कंबाइन हो गए, उसमें से हमारे 80% ही कंबाइन है, तो इस केस में अल्फा हमारे लिए क्या बन गया, 80% परसेंटेज के फॉर्म में, और अल्फा क्योंकि क्या होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यूनिट 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NaCl, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NaCl इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड इज 30। ठीक है, अब समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है तो वापस से अल्फा मुझे अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है NaCl के लिए, NaCl मुझे पता है क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डिसोसिएशन के लिए। लेकिन इसमें पूछा इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड इज 30, तो ये इसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है NaCl का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से 30 आ रहा है, जबकि मुझे पता है NaCl का जो मॉलिकुलर वेट होगा Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, मतलब 58.5 होना चाहिए, लेकिन इस मेथड से कितना आ रहा 30, इसलिए समझ में आ रहा होगा इसको क्यों बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट बोलेंगे इसको, यानी और जो नॉर्मल मॉलिकुलर वेट है जो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं वो आ रहा है NaCl का 58.5, तो जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है एबनॉर्मल आ रहा है वो हमें दे रखा है, थ्योरेटिकल हमें दे नहीं रखा लेकिन मुझे पता है वो कितना होगा, हम मॉलिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली कैलकुलेट मुझे क्या करना है इसमें अल्फा, तो देखना क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले तो, ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें देखें, एक तो मुझे दे रखा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और इसी को मैं क्या बोलता हूं एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl, जो मुझे गिवन दे रखा कितना 30 ग्राम। ठीक है, चाहो तो लिख लेना है 30 ग्राम, तो ये दे रखा मुझे 30 ग्राम। थियोरिटिकल और कैसे बोल सकता हूं मैं नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl
हमें पता है कितना होगा, सोडियम का 23 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, तो मैंने दे नहीं रखा वैसे जनरली क्वेश्चन में मॉलिकुलर मतलब एटॉमिक मास भी गिवन होगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वैसे हमें पता है कि हम अब 12th में आगे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, सोडियम का 23 होता है मास, क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे एक तो क्या मिल जाएगा, दोनों के रेशो से क्या मॉलिकुलर वेट आ गया मुझे, तो मॉलिकुलर वेट आ गया, नॉर्मल एबनॉर्मल का रेशो बोल दूँ या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल का रेशो बोल दूँ, इससे मुझे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। और ये आई की वैल्यू क्या है, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। दूसरा, एक आई कैलकुलेट करने का तरीका मेरे को फॉर्मूला भी पता है, तो मैं दोनों को क्या कर दे रहा हूँ, इक्वेट कर दे रहा हूँ। कैसे, मुझे पता है जो आई है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ, इसके लिए पहले मैं लिख लेता हूँ, जैसे एन ए सी एल है, ये डिसोसिएट होगा एन ए प्लस और किसके अंदर, सी एल माइनस के अंदर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। ठीक, अब जो i की वैल्यू है इसको मॉलिकुलर वेट के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो दोनों लिख रहा हूँ मैं, थियोरिटिकल लिख दे रहा हूँ, थियोरिटिकल, ठीक है, थियोरिटिकल जो वैल्यू है, थियोरिटिकल मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट विच मस्ट बी इक्वल्स टू, ठीक है भाई, एक तो फॉर्मूला ये हो गया थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल, और आई का ही फॉर्मूला मुझे पता लगे कौन सा है, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + n-1 × α। बस दोनों को इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो थ्योरेटिकल मॉलिकुलर वेट जो है वो हमने निकाल, वो हमें पता है 58 पॉइंट कितना है, 5 है। एक्सपेरिमेंटल कितना आया, ये कोई मेथड बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिखा भी था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम ये सब चीज़ें एक मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है उसका रेशियो, अदरवाइज मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सच कभी कोई क्वेश्चन में आई तो नहीं ना पूछा था, लेकिन हाँ मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में कई क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है ये, हो गया 30 = 1 + n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 - 1 और ये अल्फ़ा, तो एक अननोन वेरिएबल रह गया, बस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो अल्फ़ा यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जा रही है मेरे पास 0.95। ठीक है, ये इसकी अल्फ़ा की वैल्यू, लेकिन पूछा मुझसे क्या गया है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन के लिए सिंपली बस क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 0.95 × 100, तो ये कितना आ जाएगा, 95%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएंगे कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इनडायरेक्ट वे में तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, डिसोसिएशन एसोसिएशन के 2 फॉर्मूले अलग, और मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में अलग, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कभी दे दे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कोई बोल दे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दिस एंड थ्योरेटिकल दिस, तब वो 4th फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले और जल्दी से कॉपी कर ले, और एक लास्ट क्वेश्चन और हम अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है फिनोल, ठीक है, इसका मॉलिकुलर वेट हमें दे रखा है C6H5OH, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ OH, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। फिनोल इज 60% डाइमराइज, देन कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनोल। ठीक है, इसने बोला कि फिनोल क्या है, अब हमें नहीं पता है कि डाइमराइज होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें लिख दिया है इसने कि वो डाइमराइज हो रहा है, तो कौन सा केस हो गया, एसोसिएशन का, लेकिन उसमें से कितने डाइमराइज हो रहे हैं, 60%, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 0.6। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी देखा था हमने, देन कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अब इसने एक तो नॉर्मल मॉलिकुलर वेट है वो तो मैं डायरेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला से निकाल लूंगा, वो तो मुझे पता ही है, अगर वो पूछता तो फिर तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, इसने क्या पूछा है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट, तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन कराता है, तो मैं दो
ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर की दो तरीके से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और उन दोनों को इक्वेट करके और इसको भी क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। मुझे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट पूछा है, तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल। ठीक है, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल और इसका फॉर्मूला C6H5OH। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट इसके फॉर्मूले से कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो सबको ऐड करके लिख लेना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 + 6 + 16। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 94 ग्राम। एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट तो हमसे पूछा गया है, और C6H5 क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, तो डाइमराइज हो रहा है ये, तो डायरेक्ट लिख दो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो गई। और यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ डाइमराइजेशन 60%, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कितनी, 0.6 हो जाएगी। तो बस वापस से I इज इक्वल्स टू, ठीक है, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट इस मस्ट बी इक्वल्स टू। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन का फॉर्मूला लगा दो, 1 + 1 - 1 × अल्फा। तो नॉर्मल मॉलिकुलर वेट हमें पता है कितना होता है, 94, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एबनॉर्मल, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, AMW मतलब एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट, ये हमें कैलकुलेट करना है। 1 + डाइमराइज हो रहा है तो इसकी वैल्यू 2 - 1, और अल्फा कितना दे रखा है, 0.6। तो एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इधर ले जाना और बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 134.28 ग्राम। ठीक है, तो मेन है कि कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, कॉन्सेप्ट किस तरीके से, ठीक है। तो बस कन्फ्यूजन कई बार क्या होता है कि हम डिसोसिएशन में तो दिक्कत नहीं आती, हम क्या करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है वो हमें समझ में आता है, हमने केमिकल इक्वेशन में पढ़ा भी। लेकिन एसोसिएशन के केस में हम अल्फा की वैल्यू, क्योंकि एक फॉर्मूले को हमने एक पैटर्न दिया दोनों को एक सिमेट्री टाइप में, तो अल्फा यहाँ पे कितना परसेंट कंबाइन हो रहा है उसी को हम एसोसिएशन के लिए क्या मान लेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू अल्फा मान लेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से ध्यान से लेक्चर को देखें, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा दिया ताकि एक साथ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको एक बार ध्यान से देख लें और जल्दी से कॉपी कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।